to the class of Dilip sir science English. Yes my dear students, Dilip sir स्वागत करते हैं आपका Dilip sir science English class में. आज फिर से मैं आपको WH question framing question की थोड़ी और बात करूंगा और आपको बना दूंगा masters. So without wasting time let's start video. What is there today? क्या है आज खास? आज वही WH word questions नहीं है. Last टर्न पे हमने हर अंडरलाइंड वर्ड के लिए चार चार ऑप्शंस लिए थे और उन ऑप्शंस में ट्राई टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टेक ऑप्शंस. आज ऑप्शंस की बात नहीं रहेगी, डायरेक्ट हम बनाएंगे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. और इसके लिए क्या करना है आपको, बस यूज योर ब्रेन, सिट बिहाइंड योर स्क्रीन एंड लिसन मी केयरफुली. कुछ नहीं करना है, स्क्रीन के सामने बैठे रहो और ध्यान से बात को सुनते रहो. आज हम फ्रेमिंग क्वेश्चन के नए तरीके से इसको बनाने का प्रयास करेंगे. प्रयास क्या करेंगे, सीखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लुक एट द बोर्ड. पहले सेंटेंस पर ध्यान दो बच्चों. हाउ विल फील, हाउ यू विल फील कामर मेंटली एंड इमोशनली. मेंटली यहाँ से, इमोशनली यहाँ से. आप मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक शांत महसूस करेंगे. यू विल फील, आप महसूस करेंगे. क्या महसूस करेंगे, कामर. कैसा महसूस करेंगे, अधिक शांत महसूस करेंगे. तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या है, कामर. अब इस कामर के लिए आपको क्या करना है, फ्रेम करना है क्वेश्चन. ओके, तो पहली बात तो हम सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए हमको देखना होता है कि कौन से WH वर्ड से हमारा क्वेश्चन बनेगा. सबसे पहला काम यही है कि हमको आइडेंटिफाई कर लेना है कौन से WH वर्ड से बनेगा. यू विल फील कामर यानी अंडरलाइन वर्ड के लिए हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है. कैसा महसूस करोगे, मेंटली और इमोशनली. तुम कैसा महसूस करोगे, अधिक शांत. कैसा, हाउ, यानी ये जो सेंटेंस है इसके लिए सवाल बनेगा. WH वर्ड हमारा क्या होगा, हाउ. हाउ से बनेगा फ्रेम होगा क्वेश्चन. इतना करने के तुरंत बाद क्या है, WH वर्ड के तुरंत बाद हमें वो टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है जिसको हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन में रखना है. देखो यहाँ पर आ गया विल. विल से पता चल गया फ्यूचर है और फ्यूचर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल और विल आता ही आता है. तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH वर्ड लिखा, हाउ. फिर तुरंत हमको क्या ले लेना है, विल. फिर आता है हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, यू. हाउ विल यू, फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी. वर्ब क्या है, फील. हाउ विल यू फील, कैसा महसूस करोगे आप. कब, मेंटली एंड इमोशनली. मेंटली और इमोशनली कैसा महसूस करोगे, क्वेश्चन मार्क. हाउ विल यू फील मेंटली एंड इमोशनली. आप मेंटली और इमोशनली कैसा महसूस करोगे, कामर, अधिक शांत महसूस करोगे. नाउ नेक्स्ट, लव इज पावरफुल फीलिंग इंस्टॉल्ड इन अवर हार्ट. लव इज पावरफुल फीलिंग इंस्टॉल्ड इन अवर हार्ट. लव जो है, प्रेम जो है, बहुत शक्तिशाली एहसास है जिसे हमारे हृदय के अंदर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है. मर जावा मिट जावा वाला, यस. चलो देखो, लव इज पावरफुल फीलिंग इंस्टॉल इन अवर हार्ट. कहाँ इंस्टॉल होती है, इन अवर हार्ट. कहाँ पर, इन अवर हार्ट. प्लेस बता रहे हैं और जब भी प्लेस की बात आएगी बच्चे, सवाल किससे बनेगा, वेयर से बनेगा. तो WH वर्ड हमको मिल गया, फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने. तो चलो लिख दिया WH वर्ड और हमें पता है WH वर्ड के तुरंत बाद हमको लिखना है वर्ब का टेंस पहचान के हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आपने फंडा पढ़ा है. क्या पढ़ा है फंडा, कि सबसे पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब. ओके, अब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से इज आया हुआ है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, यही इज हम ले लेना. वेयर इज, वेयर इज. अब लव, वेयर इज, अच्छा कैसा फीलिंग है, पावरफुल फीलिंग ऑफ लव. ऐसा भी कह सकते हैं, वेयर इज पावरफुल लव फीलिंग. पावरफुल लव फीलिंग इंस्टॉल. वेयर इज पावरफुल फीलिंग. पावरफुल कैसा फीलिंग, लव वाली फीलिंग, इसलिए साथ में यहां पर लव को ले लिया.
वेयर इज पावरफुल लव फीलिंग स्टॉल, कहाँ स्टॉल की जाती है प्रेम वाली शक्तिशाली फीलिंग को। क्या आंसर मिला? इन अवर हर्ट्स, हमारे दिल में या हमारे हृदय में। द फाइट लास्टेड ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स, लड़ाई कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गई। लास्टेड, लुक एट हियर, यहाँ पर क्या है बच्चे, लास्टेड, ईडी जुड़ा है, ईडी जुड़ा है तो क्या है, आपको ध्यान में आया ये क्रियापद क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप क्या लोगे, डिड, और डिड के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गई, कितनी देर चली, कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गई। अब कितना समय तक चली, इसके लिए एक डब्ल्यू एच वर्ड आता है, हाउ लॉन्ग, कितने समय तक कोई काम हुआ उसके लिए एक वर्ड आता है हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पर इस अंडरलाइन वर्ड के लिए कितने समय तक, कितने देर तक लड़ाई चली, कुछ ही, तो यहाँ पर इसके लिए आएगा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। फिर हमें वर्ब का टेंस हमने पहचान लिया, ईडी है, पता चल गया वर्ब के सेकेंड फॉर्म है, पास्ट है, तो क्या आएगी यहाँ पर, डिड, हाउ लॉन्ग डिड। फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द फाइट, हाउ लॉन्ग डिड द फाइट लास्ट। अब देखो हमने पढ़ा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लास्ट, क्वेश्चन मार्क, हाउ लॉन्ग डिड द फाइट लास्ट, कितने समय तक लड़ाई चली या कितनी देर तक लड़ाई समाप्त हो गई। तो आंसर मिला ओनली फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट तक लड़ाई चली। वी ऑल वॉन्ट टू बी फेमस पीपल, हम सभी प्रसिद्ध आदमी बनना चाहते हैं, वी ऑल वॉन्ट टू बी सेलिब्रिटी, हम सभी ऐसे बनना चाहते हैं कि हमें सब दुनिया जाने, फेमस बनना चाहते हैं, नेम फेम मनी मिंटिंग सब लोग चाहते हैं। ओके, वी ऑल वॉन्ट टू बी फेमस, ओके। अब देखो यहाँ पर फेमस क्या बनना चाहते हैं, फेमस बन जाए, किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति बनना चाहते हैं। पीपल नहीं होता तो क्या से हम बना लेते, लेकिन फेमस पीपल, कैसे लोग, प्रसिद्ध लोग, ओके। अब यहाँ पर देखो वांट लिखा है, वांट क्या है बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वी प्लूलर है, ईडी जुड़ा होता तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसमें यस या ईएस नहीं जुड़ा है, ये क्या है, यस या ईएस इसमें नहीं जुड़ा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, डज नहीं आएगा, तब क्या आएगा, डू आएगा, डू के साथ सब्जेक्ट और आएगी बी वन। अच्छा, किस तरह के लोग हम बनना चाहते हैं, what kind of people, अब यहाँ पर do, what kind of people do we all want, हम किस तरह के लोग, we all want भी है बच्चे, ध्यान रखना, what kind of people do we all, What kind of people do we all be? तो want to be लिखेंगे, ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, want to be, क्वेश्चन मार्क, what kind of people do we all want to be, किस तरह के लोग हम सभी बनना चाहते हैं, we all want to be famous people, हम सभी कैसा बनना चाहते हैं, फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति बनना चाहते हैं। तो यहाँ फेमस के नीचे अंडरलाइन है, उसी के लिए हमें सवाल तैयार करना है। देखो, द पोयम डिस्क्राइब्स ब्यूटीफुल नेचर, ये जो पोयम है खूबसूरत दृश्य का वर्णन करती है, क्या वर्णन करती है, खूबसूरत दृश्य का वर्णन करती है। अब यहाँ पर मैंने इसके लिए ऑप्शन दिए हैं, आप खुद ही आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, ईएस आया है, ईएस आया है तो समझ में आ गया आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस या ईएस है, ऐसी सिचुएशन हो तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करते हैं, डज, और डज के साथ हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद बी वन। चलो ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है, व्हाट सी बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर है, द पोयम डिस्क्राइब्स ब्यूटीफुल नेचर, क्या डिस्क्राइब करती है पोयम, खूबसूरत दृश्य को डिस्क्राइब करती है, तो व्हाट से सवाल बनेगा। ओके, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, पहले पे चलो, व्हाट डज द पोयम डिस्क्राइब,
व्हाट डज द पोयम डिस्क्राइब, पोयम क्या वर्णन करती है। देखो व्हाट आया और यहाँ पर डज आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ये सही है। ओके दूसरे पे चलते हैं, हाउ इज द नेचर, नेचर कैसा है, ये नहीं है। व्हाट इज डिस्क्राइब बाय द पोयम, बोथ ए एंड सी। अब यहाँ पर देखो व्हाट इज डिस्क्राइब बाय द पोयम, पोयम के द्वारा क्या वर्णन किया जाता है। अब देखो व्हाट आ गया और उसके बाद यहाँ पर आया है इज। अब एक बात देखो यहाँ पर ये डिस्क्राइब्स प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है और जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर आता है और साथ में आती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो व्हाट इज डिस्क्राइब बाय द पोयम, इज डिस्क्राइब्ड यानी सेंटेंस कौन से कैसे लिखा है, पैसिव वॉइस में लिखा है। व्हाट इज डिस्क्राइब बाय द पोयम, पोयम के द्वारा क्या डिस्क्राइब किया जाता है, ब्यूटीफुल नेचर, खूबसूरत दृश्य। द पोयम डिस्क्राइब, पोयम क्या डिस्क्राइब करती है, ब्यूटीफुल नेचर। यानी यहाँ पर ये भी सेंटेंस क्या है बच्चे, सही है, यहाँ पर ये भी सेंटेंस क्या सही है, सी वाला। तो इस तरह से ए और दोनों सही है, तो राइट आंसर कौन सा है, डी, बोथ ए एंड सी आर राइट। ओके राइट आंसर अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी, इज इट क्लियर। ओके नाउ दोनों सही है। ही वेंट टू अ फैबुलस शो इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में वह एक फैबुलस शो में गया, कहाँ गया, फैबुलस शो में। जब भी प्लेस आएगा तो किससे सवाल बनाओगे, वेयर से। अब देखो यहाँ पर वेंट, वेंट क्या है बच्चे, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। यानी ये वर्ब कौन से सेंटेंस में है, पास्ट में है, पास्ट में है तो क्या आएगी, डिड, यानी सेंटेंस में डिड। प्लेस है तो वेयर, क्वेश्चन किससे बनेगा, वेयर से। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर, ठीक। अब उसके बाद अपने को क्या लेना है, डिड, वेयर डिड। अब उसके बाद सब्जेक्ट वी, वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो, वेयर डिड वी गो इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में हम कहाँ जाते हैं, टू अ फैबुलस शो, एक खूबसूरत शो देखने के लिए। आपको बच्चों क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन अगर आपको आ रहा है तो ऑप्शंस जो भी दिए हैं उसमें ध्यान रखना कि जो वर्ड अंडरलाइन है वो कभी भी ऑप्शन में किसी में आना नहीं चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगले सेंटेंस पे आप ध्यान दो, द जॉब विल बी फिनिश बाई द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के एंड तक, अंत तक काम खत्म हो जाएगा। कब तक खत्म हो जाएगा, अंत तक। तो ऐसा सवाल बताते हैं जिसमें से क्या टाइम की बात है, और टाइम की बात रहेगी तो किससे सवाल बचाओगे बच्चे, वेन से। अब देखो वर्ब का टेंस पहचानो, विल, विल आया तो फ्यूचर, उसके बाद बी है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड लिखा, वेन, फिर हेल्पिंग वर्ड लेंगे विल, फिर सब्जेक्ट लेंगे द जॉब, फिर ये बी लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बी फिनिश्ड, क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल द जॉब बी फिनिश्ड, काम कब खत्म होगा, काम कब खत्म होगा, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ओके नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटर्स रादर यूज लॉट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई कल्प्रित, दोषियों को पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो क्या करते हैं, अधिक से अधिक नई, ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ओके अब यहाँ पर बच्चे यूज़ के नीचे भी अंडरलाइन है, यानी वर्ब के नीचे भी अंडरलाइन है, यूजेज नहीं लिखा, यूज लिखा है, यानी ये डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डज डू में से डू आएगा। ओके अब यहाँ पर सवाल बनाना है, ये चीज़ क्या है, लॉट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया, देखो इन्वेस्टिगेटर्स क्या है, सब्जेक्ट है, यूज क्या है, वर्ब है, लॉट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की जगह कोई निर्जीव चीज होगा तो उसका सवाल हम किससे बनाएंगे, व्हाट, यानी व्हाट इन्वेस्टिगेटर लोग ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है यूज़, यूज़ के नीचे भी अंडरलाइन है, तो यूज वर्ड हमें आंसर में यानी जो फ्रेम कर रहे हैं क्वेश्चन उसमें आना नहीं चाहिए, वर्ब नहीं आनी चाहिए। अब जब वर्ब नहीं आती तो हम क्या करेंगे कि कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अधिकतर क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, करने का अंग्रेजी क्या होता है, डू। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, व्हाट,
फिर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू ही आएगा, व्हाट डू, यहाँ पर क्या है इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स प्लूलर है इसलिए डू, व्हाट डू इन्वेस्टिगेटर्स गेटर्स रादर डू, ये डू क्या है यहाँ पर मेन वर्ब है, टू आइडेंटिफाई कल्प्रिट्स, टू आइडेंटिफाई कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स यानी दोषियों को पहचानने के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट टू इन्वेस्टिगेटर्स रादर डू टू आइडेंटिफाई कल्प्रिट्स, दोषियों को पहचानने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए ज़्यादा अधिक क्या पसंद करते हैं, कौन इन्वेस्टिगेटर लोग क्या करते हैं, यूज लॉट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जब भी बच्चों वर्ब के नीचे अंडरलाइन रहेगा तो वर्ब इसमें आना नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, डू डज डिड जो भी होगा टेंस के हिसाब से। ओके नेक्स्ट, द टीचर वॉज एंग्री फॉर हिज मिसचीफ, टीचर एंग्री था, क्यों एंग्री था, फॉर हिज मिसचीफ, क्यों एंग्री था, फॉर हिज मिसचीफ, जब क्या दिया रहेगा बच्चे रीजन, कारण रहेगा, तो कारण रहेगा तो किससे सवाल बनाएंगे हम, वाई से, समझ में आए। ओके वाज एंग्री, यहाँ पर वर्ब क्या है वाच, ठीक है नो प्रॉब्लम, तो वाई वाच, सब्जेक्ट क्या है टीचर, वाई वाच द टीचर एंग्री, टीचर क्यों एंग्री था, फॉर हिज मिसचीफ, अपनी गलती के लिए। ओके हरीश च्यूज गुटकास 4-5 times इन अ डे, हरीश दिन में 4-5 times गुटका खाता है, कितनी बार खाता है, 4-5 times खाता है। ओके अब कितनी बार के लिए, जब भी ऐसा आएगा तो उसके लिए एक वर्ड है WH वर्ड, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार, फ्रीक्वेंसी जब बतानी होगी कि ये चीज़ बार बार होती है, ऐसे होती है, वहाँ पे आएगा क्वेश्चन के लिए हाउ ऑफन, कितनी बार, अक्सर। ओके अब यहाँ पे देखो चूज एस आया है, यस आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यस यस हो तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है डज, और डज के साथ क्या आती है वी वन। ओके सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा WH वर्ड, WH वर्ड किससे स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर, हाउ ऑफन से, हाउ ऑफन हो गया हमारा WH वर्ड, और WH वर्ड के तुरंत बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब लेना है अपने को डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हरीश, और उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म च्यूज में से सिर्फ क्या आएगा च्यू, हाउ ऑफन डज हरीश च्यू, क्या खाता है गुटका, गुटका दाने दाने में है केसर का दम, वही वाला गुटका, समझ गए ना, हाँ समझ गया, हो गए। हाउ ऑफन डज हरीश च्यू गुटकास इन अ डे, दिन में कितनी बार खाता है। ओके द प्यून रिंग द बेल एट 7:30 AM, प्यून ने 7:30 बजे क्या बजाई, घंटी बजाई, कब बजाई, जब भी टाइम का जिक्र होगा, टाइम के लिए आप क्या यूज करोगे व्हेन, टाइम के लिए क्या यूज करोगे आप व्हेन, जब भी सवाल के लिए, समय के लिए सवाल बनाना होगा तो क्या आएगा व्हेन, पट्टा वाला कितने बजे घंटी बजाता है, पट्टा वाला कोई पट्टा बांध के आ जाएगा, नॉट पट्टा वाला, पट्टा वाला मतलब प्यून, प्यून मतलब चपरासी। ओके अब किससे बनेगा सवाल, व्हेन से, तो सबसे पहले लिखा व्हेन। ओके अब यहां पर देखो रैंग है, रैंग मतलब रिंग का सेकेंड फॉर्म, रिंग फर्स्ट फॉर्म है और रैंग क्या है सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म आया तो पास्ट है तो डिड आएगा, और डिड के साथ क्या आएगी बी वन, ध्यान में रखना व्हेन, सबसे पहले व्हेन के बाद आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है द प्यून, फिर रैंग का फर्स्ट फॉर्म रिंग द बेल, व्हेन डिड द प्यून रिंग द बेल, चपरासी ने घंटी कब बजाई थी एट 7:30 AM, 7:30 बजे। द टीचर ऑलवेज हेल्प हेलन, टीचर हमेशा हेलन की मदद करती थी, टीचर क्या है बच्चे सब्जेक्ट है, करता है, हेल्प क्या है वर्ब है, किसकी मदद करती थी हेलन की, हेलन क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ जब भी ऑब्जेक्ट के लिए हमें सवाल बनाना हो, किसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए सवाल बनाना हो, और उस वहाँ पर क्या नाम हो मनुष्य का नाम हो, तो हमेशा किससे बनेगा हुम से, किससे बनेगा हुम से, WHOM हुम से, ऑब्जेक्ट के लिए जब भी सवाल बनाना होगा मनुष्य का नाम होगा तो हुम, किसे
किसकी हमेशा मदद करती थी, ऑलवेज टीचर किसकी हमेशा मदद करती थी, हेलेन की, तो हुम, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा हुम, फिर हमें लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज हेल्प्ड, यहाँ पर देखो ईडी जुड़ा है, ईडी से अपने को पता चल गया ये क्या है, पास्ट है, पास्ट है तो इसमें क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड के साथ क्या रहेगा हमेशा वीएम, हुम डिड, हुम डिड द टीचर, द टीचर ऑलवेज ऑलवेज हेल्प, हुम डिड द टीचर ऑलवेज हेल्प, टीचर हमेशा किसकी मदद करती थी, हेलेन की। सोनू वेंट टू स्कूल ऑन फुट, सोनू स्कूल पैदल चला गया, कैसे गया, पैदल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोनू, यहाँ पर देखो वेंट है, वेंट क्या है वी टू है, वी टू है तो किस हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा डिड, और डिड के साथ क्या आएगा वी वन, ऑन फुट कैसे गया, पैदल गया, तो किससे बनाओगे सवाल, हाउ, सबसे पहले आया हाउ, फिर वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, आपको पता है गो फर्स्ट फॉर्म है और उसका सेकेंड फॉर्म क्या है वेंट, वांट नहीं लिखा वेंट, तो सबसे पहले पास्ट हो गया तो डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है सोनू, फिर क्या है गो टू स्कूल, व्हेन हाउ डिड सोनू गो टू स्कूल, सोनू स्कूल कैसे गया था ऑन फुट, पैदल गया था। निसर्ग विल गो टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज, निसर्ग पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए कहाँ जाएगा, अमेरिका जाएगा, किस लिए जाएगा, क्यों जाएगा, रीजन है ना, जब भी रीजन है तो रीजन के लिए सवाल किससे बनता है व्हाई, क्यों जाएगा फॉर हायर स्टडीज, तो व्हाई से सबसे पहले लिखा व्हाई, पता है विल आ गया है, विल किसको शो करता है बच्चे फ्यूचर, और फ्यूचर में वी वन ही रहता है विल के साथ, व्हाई विल, अब ये निसर्ग सब्जेक्ट हम लिख देंगे निसर्ग गो, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, व्हाई विल निसर्ग गो टू अमेरिका, अमेरिका यहाँ फायर स्टडीज तक है, टू अमेरिका क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल निसर्ग गो टू अमेरिका, निसर्ग अमेरिका क्यों जाएगा, फॉर हायर स्टडीज, उच्च अध्ययन के लिए। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन, जल जीवन का आधार है, ओके तो जल, अब देखो वाटर के नीचे अंडरलाइन है, और वाटर सजीव है क्या, निर्जीव है यार, निर्जीव है, निर्जीव होगा, अगर सजीव होता तो किससे सवाल बनाते, हु से, लेकिन निर्जीव होगा पशु पक्षी का नाम होगा तो किससे बनेगा व्हाट से, सजीव है क्या, पानी सजीव है, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते, हमको डुबा भी सकता है, दोनों बातें हाँ, चल व्हाट से बनाते हैं, तो सबसे पहले बनेगा व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, प्रेजेंट में लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ जीवन का आधार क्या है, समझ में आई बात बच्चे, सो नोट डाउन राइट डाउन एंड लर्न। चले देखते हैं अगला सवाल, गोविंदा मेट हिज फ्रेंड एस्टरडे, गोविंदा अपने दोस्त से कल मिला था, कब मिला था, कल मिला था, जब भी टाइम की बात आएगी बच्चे, जब भी टाइम रहेगा, टाइम पूछना होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा, तो किससे क्वेश्चन बनाएंगे, व्हेन से, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया व्हेन, इसके बाद क्या पता करना है वर्ब कौन से टेंस में लिखी है, गोविंदा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता तो इधर पे एस सी एस ऐड होता, नहीं है, यानी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्या आएगा डिड, ओके व्हेन डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है गोविंदा, व्हेन डिड, अब देखो मेट का फर्स्ट फॉर्म होगा मीट, मेट, मेट, व्हेन डिड गोविंदा मीट हिज फ्रेंड, गोविंदा अपने दोस्त से कब मिला था, एस्टरडे, कल मिला था, द कैट ईटन अ वेट रैट केयरफुली, बिल्ली ने एक गीले चूहे को बड़े ध्यान से खाया, कैसे खाया, बड़े ध्यान से खाया, तो यहाँ पर केयरफुली के नीचे क्या है, अंडरलाइन है, केवी रीते कैसे खाया, केयरफुली, यस हाउ, ओके अब यहाँ पर देखो ईट है, ईट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब इधर पे यस यस ऐड है क्या, नहीं ऐड है, द कैट ईट, ईट ए टी ई ईट सेकेंड फॉर्म, द कैट ईट
बिल्ली ने खाया, किसको खाया? अ वेट रैट, गीले चूहे, केयरफुली कैसे? यहाँ वी टू लिखा होना चाहिए, वी टू, तो वी टू है तो क्या आएगा? डिड। उसके साथ सब्जेक्ट फिर क्या आएगी? वी वन। हाउ, कैसे खाया? हाउ, फिर आ गया डिड, फिर सब्जेक्ट द कैट, हाउ डिड द कैट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, हाउ डिड द कैट ईट अ वेट रैट, अ वेट रैट, गीले चूहे को बिल्ली ने कैसे खाया? केयरफुली, यस। उर्मी, उर्वी इज हैप्पी एज ही वन द ड्राइंग कंपटीशन, उर्वी खुश थी जैसा कि उसने ड्राइंग कंपटीशन जीत लिया था। विच कंपटीशन हैच उर्वी वन, कौन सा कंपटीशन जीता था? ड्राइंग कंपटीशन। इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, सवाल ऐसा बने कि जवाब के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। उर्वी क्या थी? खुश थी। क्या थी? खुश थी। ओके, हाउ डज उर्वी फील ऑन विनिंग द ड्राइंग कंपटीशन, हु इज हैप्पी, कौन खुश है? तो उर्वी आंसर आ रहा ये नहीं है। व्हाई हैज उर्वी वन द ड्राइंग कंपटीशन, क्यों जीता है, इसका कोई रीजन नहीं है, ये नहीं। अब देखो, हाउ डज उर्वी फील, उर्वी कैसा महसूस करती है ऑन द विनिंग द ड्राइंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन जीतने के बाद, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में चूज करना है। उर्मी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उर्मी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकती है, क्या बोल सकती है? अंग्रेजी। कैसे बोल सकती है? फ्लुएंटली। ओके, अब यहां पर चार ऑप्शन है। व्हाट कैन उर्मी डू, उर्मी क्या कर सकती है, उर्मी क्या कर सकती है? ओके, हाउ कैन उर्मी स्पीक, कैसे बोलती है? फ्लुएंटली, ये नहीं होगा। हुज लैंग्वेज कैन उर्मी स्पीक, कौन सी, किसकी भाषा, हुज लैंग्वेज, किसकी भाषा, ये भी नहीं होगा। व्हाट कैन उर्मी डू, उर्मी क्या कर सकती है, उर्मी बोल सकती है, ये भी नहीं है। विच लैंग्वेज कैन उर्मी स्पीक फ्लुएंटली, कौन सी भाषा उर्मी फर्राटेदार बोल सकती, उर्मी कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश के लिए क्या है, विच लैंग्वेज। ओके, नाउ, खुशी वाज राइटिंग अ जोक विथ अ रेड पेन, खुशी क्या कर रही थी, लाल पेन से एक जोक लिख रही थी, क्या लिख रही थी, अ जोक। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, किससे बनेगा सवाल, व्हाट से। ओके, कैसे लिख रही, तो विथ अ रेड पेन, क्या लिख रही थी, जोक लिख रही थी, तो व्हाट से बनेगा, व्हाट वाज सब्जेक्ट खुशी, व्हाट वाज खुशी राइटिंग विथ अ रेड पेन, विथ अ रेड पेन, व्हाट वाज खुशी राइटिंग विथ अ रेड पेन, लाल पेन से खुशी क्या लिख रही थी। रॉबिन लाइक्स ब्लू बर्ड, रॉबिन को कैसा पक्षी पसंद है, नीला पसंद है। अब देखो यहाँ पे लाइक्स है, लाइक्स से पता चल गया वी वन है, वी वन में सी एस एड है, यानी क्वेश्चन में डज तो आना ही चाहिए, और उसके साथ सब्जेक्ट के बाद क्या आनी चाहिए, वी वन विदाउट यस या यस, राइट। व्हाट डू रॉबिन लाइक, रॉबिन क्या पसंद करता है, तो आंसर क्या मिलेगा, बर्ड्स, ब्लू बर्ड्स। तो केवल अंडरलाइन किसके नीचे है, ब्लू के नीचे, बर्ड्स के नीचे नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। अब विच बर्ड्स डज रॉबिन लाइक, यहाँ भी देखो विच बर्ड रॉबिन लाइक्स, देखो यहाँ पर ये भी आ गया, डज आ गया, अब इसमें डज भी नहीं आया है, और वहाँ पर एस सी एस आई, इसलिए रॉन्ग है। हु लाइक्स ब्लू बर्ड, कौन पसंद करता है, तो आंसर मिलेगा रॉबिन। अब यहाँ पर विच बर्ड्स डज रॉबिन लाइक, कौन सा पक्षी रॉबिन पसंद करता है, ब्लू बर्ड, कौन से रंग का पक्षी पसंद करता है, ब्लू बर्ड, सी इज द राइट आंसर। माई मदर एड अ लिटिल शुगर इन द टी, मेरी माँ चाय में थोड़ा सा शक्कर मिला दी, कितना मिला दी, थोड़ा सा, आपको याद है कितना, कितनी के लिए दो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, हाउ मेनी और कौन सा, हाउ मच, गिन सकते हैं, गिना जा सकता है, तो क्या लेते हैं, हाउ मेनी, और नहीं गिना जा सकता है तो क्या करते हैं, नहीं गिना जा सके तो क्या करते हैं, हाउ मच लेते हैं। चीनी के दाने को गिन सकते हो क्या, गिन गिन के लेते हो क्या, 10 दाना चीनी ले लो, मात्रा में लेते हो, ठीक है ना, समूह में लेते हो, तो हाउ मच। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, कितना, थोड़ा,
इसके साथ केवल लिटिल के साथ शुगर भी है, कितनी शक्कर, इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो हाउ मेनी और हाउ मच से नहीं दिया है। ओके, किससे बनेगा? व्हाट से। क्या मिलाया? माई मदर एडेड, मेरी माँ ने मिलाया अ लिटिल शुगर, थोड़ा शक्कर। क्या मिलाया? हाँ, व्हाट से बनेगा। सिर्फ लिटिल होता, सिर्फ लिटिल होता तो किससे बन जाता? हाउ मच से, लेकिन लिटिल के साथ शुगर के नीचे भी अंडरलाइन है। हु, कौन मिलाया शक्कर? माँ, ये सवाल ही नहीं है। व्हाट डिड योर मदर एड इन द शक्कर, तुम्हारी माँ ने शक्कर में क्या ऐड किया? अ लिटिल शुगर। डिड योर मदर, ये तो बनेगा नहीं। व्हाट डिड योर मदर मेक, तुम्हारी माँ क्या बनाई थी? ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? बी, व्हाट, देखो एडेड, एडेड, एडेड से पता चल गया पास्ट है, तो क्या आना है? डिड। व्हाट डिड सब्जेक्ट योर मदर एड द, माई मदर के बदले योर मदर, तुमको पता है ना तुम्हारी माँ ने क्या मिला है? तो सवाल पूछोगे तो ऐसे ही पूछोगे, तुम्हारी माँ ने क्या मिलाया था? ओके, अल्पेश भाई हैज बीन वर्किंग एज ए टीचर सिंस 2000। अल्पेश भाई 2000 से क्या कर रहे हैं? टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। अब देखो, सिंस 2000, जब भी सिंस फॉर आएगा, हैज बीन, हैव बीन आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, टाइम शो करने के लिए और निश्चित समय दर्शाने के लिए सिंस आया है। अगर सिंस अंडरलाइन में आया तो उसके लिए सवाल हमेशा आप याद रख लो, सिंस वेन से बनेगा। किससे बनेगा? सिंस वेन से, कन्फर्म टाइम के लिए है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सवाल हमेशा किससे बनेगा? सिंस वेन से। तो सिंस वेन, अल्पेश भाई, अल्पेश भाई, हैज़ बीन आएगा ही, हैज़ बीन वर्किंग एज अ टीचर, वर्किंग एज अ टीचर, सिंस वेन अल्पेश भाई वर्किंग एज अ टीचर, कब से काम कर रहे हैं टीचर के रूप में? समटाइम्स आई वेंट टू गो बेड एट 9 o'clock, कभी कभी मैं 9 बजे सोने चला जाता हूँ। कब कब जाते हो? कभी कभी। अब यहाँ पर कितने बजे आते हो? 9 o'clock, एग्जैक्ट टाइम हो, एकदम सटीक समय हो, तो वेन से बना ले। कब जाते हो सोने? 9 बजे। अब ये निश्चित नहीं है, कब कब जाते हो, कब कब जाते हो, समटाइम्स, कभी कभी, ये एकदम निश्चित समय नहीं है। इसके लिए हम इसका सवाल बनाएंगे, हाउ ऑफन, कितनी बार, कब कब, ठीक है ना, हाउ ऑफन। अब देखो यहाँ पर वेंट है, वेंट से पता चल गया ये क्या है? पास्ट में है, पास्ट में है, गो का सेकेंड फॉर्म ये है क्या? वेंट, वी टू है, तो डिड आएगा और इसके साथ वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, हाउ ऑफन डू, और आई के बदले यहाँ हो जाएगा यू, हाउ ऑफन डू यू गो टू बेड, हाउ ऑफन, ये क्या लिख दिया, समटाइम्स आई वेंट टू बेड एट, यहाँ पर दो लिख दिया, हाउ ऑफन डू यू गो टू बेड एट 9 o'clock, 9 बजे कब कब तुम सोने जाते हो? अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, हाउ ऑफन डू यू गो टू बेड एट 9 o'clock, 9 बजे कब कब सोते हो? कभी कभी। द टीचर आस्क मीरा टू कलेक्ट द बुक, टीचर ने मीरा से कहा, क्या कहा? कलेक्ट बुक्स, किताबें इकट्ठी करने के लिए। व्हाट से सवाल बनेगा? ऑब्जेक्ट्स, क्या 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 लगा के सवाल पूछो, जवाब मिल गया तो व्हाट से बनेगा। क्या कलेक्ट करने के लिए मीरा को कहा टीचर ने? बुक्स। अब आस्क्ड है, ईडी है, ईडी है तो पता चल गया क्या है? पास्ट है, वी टू है, तो क्या आने बच्चे? डिड आएगा। सबसे पहले क्या लिखोगे हम, किससे बनाएंगे सवाल? व्हाट, फिर क्या लिखेंगे? डिड, फिर क्या? सब्जेक्ट द टीचर, व्हाट डिड द टीचर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आस्क, किसको? मीरा, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड द टीचर आस्क मीरा। अच्छा, एक चीज़ और रखना है, मीरा से क्या करने के लिए कहा, तो टू डू भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कलेक्ट करना एक तरह से क्या है? वर्ब है, क्रिया है। व्हाट डिड द टीचर आस्क मीरा टू डू, टीचर ने मीरा से क्या करने के लिए कहा था? टू कलेक्ट द बुक्स। यस माय डियर स्टूडेंट, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यार दोस्त, अगर कोई नया होगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको WH क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाया। अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए ग्रामर से रिलेटेड, राइट इन टू द कमेंट बॉक्स में आप बता दो कि आपको क्या चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द इन, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।